हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर वुमेन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आगे से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी अपने चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ पॉन्स एंटी स्पॉट फेयरनेस डे क्रीम का। इसमें SPF 15 भी है, जो कि अगर आप घर में ही रहते हैं तो फिर आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है SPF 15। अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करती है, आप यूज़ करते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, ये कांच का जार है, ये ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी गिर गया तो टूट सकता है। देखने में इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है। इसका प्राइस है 210 और 2 साल की आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है, जो कि काफ़ी है, बहुत है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सब इसके बॉक्स पर मेंशन होते हैं। इसका बॉक्स एक्चुअली मैंने फेंक दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं इसका रिव्यू करूँगी, तो आप अगर परचेस करें तो उस पर से देख सकते हैं। इसमें जो मेन फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है वो विटामिन B3 है, जो कि एंटी डार्क स्पॉट जो होते हैं हमारे स्किन पर, उसमें अंदर से गहराई पर जाकर के काम करता है, उनको लाइट करता है। तो ये क्रीम उसी के लिए आपकी फेयरनेस पर काम करेगी, आपकी स्किन पर अगर कोई भी दाग है, धब्बा है, उस पर काम करेगी। पिंपल्स वगैरह के लिए ये काम नहीं करेगी। ड्राई स्किन वालों को ये मुश्किल ही पसंद आएगी क्योंकि उनकी स्किन को ये और भी ज़्यादा ड्राई कर सकते, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि उनकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली नहीं होने देगी, मॉइस्चराइज भी करेगी और बहुत ही आपको स्मूथ और सॉफ्ट फील कराएगी। बात करते हैं इसके टेक्सचर की, तो फिर ये ऐसे ओपन होता है, बहुत ही लाइट पिंक कलर का है, जो कि आपको वाइट जैसा ही दिखेगा। जैसे और फेयरनेस क्रीम्स जो आती हैं वो काफी ऑयली होती हैं, स्किन को ऑयली कर देती हैं, ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगा और बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्मूथ फील कराएगा आपको, और बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं आएगी आपकी स्किन पर, बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी। और इसकी स्मेल काफ़ी लाइट है और काफ़ी अच्छी है, जैसे पॉन्स की और क्रीमों की होती है वही स्मेल है, काफ़ी लाइट स्मेल है, जो कि हर किसी को पसंद आ सकती है क्योंकि हैवी स्मेल जो होती हैं वो सबको पसंद नहीं आती है। मेरे हिसाब से तो ये क्रीम बेस्ट है समर्स के लिए और ये फेयरनेस पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर आपके लगाते ही बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा जैसे आपने क्रीम लगाई भी है, बिल्कुल बस सॉफ्टनेस फील होगी बट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना चिपचिपापन लगेगा, कुछ भी नहीं। और आप साथ के साथ फेयरनेस भी देख सकते हैं इसका, मेरे दोनों हाथों पर डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने इस पर इसको लगाया है, इस पर नहीं लगाया है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी और अपने लोकल मार्केट से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें।